बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शादी के बाद साल गुज़रने पर किसी को मुबारकबाद देना शरी एतबार से कैसा है? पैदाइश की सालगिरह हो या शादी की, हैप्पी बर्थडे या हैप्पी एनिवर्सरी का ताल्लुक इस्लाम या अजर से नहीं कि यह तरीक़ा अपनाने का हुक्म शरीयत ने दिया हो या ऐसा करने पर अजर सुनाया हो नहीं, बल्कि इसको ज़रा समझ लें। ये हमारे ज़ाती और पर्सनल मामलात हैं, अगर हम इनको दीन समझकर अपनाएं तो भी गलत है, और अगर हम गैर मुस्लिमों की मुशाबहत करें और हमारे काम और मुबारकबाद की ये मजलसें और अंदाज़ गैर मुस्लिमों जैसे हो जाएं तो भी गलत है, मना है। हाँ, अगर सरसरी तौर पर अहले खाना को खुशी का मौका याद आया हो कि जी आज हमारे भाई की शादी हुई थी, आज से एक साल कबल हमारे बेटे की शादी हुई थी, तो कह सकते हैं कि अल्लाह ने जैसे आपको खुशियों वाली ज़िंदगी से नवाजा है, अल्लाह आपको मज़ीद खुशियाँ अता फ़रमाए। लेकिन इस पर गैरों की तरह फंक्शंस और मुबारकबाद की महाफिल और सिलसिले, इनका शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं, गैरों की मुशाबहत से बचना चाहिए।